दीपक जोशी का कहना है कि कांग्रेस ने घोषणा की थी कि चुनाव जीत जाने के 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन अब उनके वरिष्ठ नेता बहानेबाजी करने में जुट गए हैं। कहीं कहते हैं कि सहकारिता का लोन माफ करेंगे तो कहीं कहते हैं 25,000 तक का लोन माफ होगा। जोशी ने कहा कि जनता ने भाजपा को विपक्ष की भूमिका सौंपी है और भाजपा उस भूमिका में जनता के हित में लड़ाई लड़ेगी। अपने उनका जो घोषणा पत्र था उसमें कहा गया था कि हम 10 दिन के अंदर माफ करेंगे और उनके जो नेता थे उनकी यह तक कह गए थे कि 10 दिन में अगर नहीं किया मुख्यमंत्री परिवर्तन कर। लेकिन आज जो मंजर देखने में आ रहे हैं उसमें आप ये बहानेबाजी कर रहे हैं कि हमने तो सहकारिता का बोला था, हमने तो इतने परसेंट तक का कर्जे बोला था, इतना परसेंट तक का बोला था। और जो स्थिति सामने देखने में आ रही उससे लगता नहीं कि जो सरकार शपथ लेगी वो 10 दिन के अंदर कर्ज माफी कर पाए, क्योंकि आज हम विरोध में हैं। सकारात्मक विरोध के दृष्टिकोण से हमारी पार्टी संगठन में से तो तय करेगा और शायद ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी है कि अगर ये माफ़ी नहीं होती तो इसके खिलाफ पार्टी जनता के बीच जाकर आंदोलन करेगी।